सिर्फ आर्पेजियो पैटर्न्स सीखने से हम आर्पेजियो के साथ सॉन्ग्स को नहीं बजा पाते, बिकॉज उसके लिए हमें माइंड एंड हैंड्स का कोऑर्डिनेशन डेवलप करना पड़ता है। और इसी माइंड एंड हैंड्स के कोऑर्डिनेशन को डेवलप करने के लिए ये जो तीन एक्सरसाइज है वो मेरी सबसे फेवरेट है, क्योंकि इससे हमारे हजारों स्टूडेंट्स ने रिजल्ट्स को अचीव किया है। राइट, आपको बताता हूँ इस वीडियो में, सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। हेलो एवरीवन, आई एम जश कुटावाला फ्रॉम पिक्सरिस, प्रोफेशनल पियानिस्ट, कंटेंट क्रिएटर एंड आपका पियानो कोच। तो यहाँ पे जो तीन एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज को हम कहते हैं द फाउंडेशन, सेकंड एक्सरसाइज को हम कहते हैं द हाफ वे, एंड थर्ड एक्सरसाइज को हम कहते हैं द फाइनल स्टेज। अभी जो सेकंड एक्सरसाइज है हाफ वे, वो ऐसी एक्सरसाइज है जहाँ पे आप अगर उतना करके छोड़ दोगे तो आई एम नॉट श्योर की, क्योंकि वो ऐसी है कि समंदर के बीच में आपका आके आपको छोड़ दे। लेकिन अगर आप तीनों को कंप्लीट करते हो देन यू कैन से कि मैं आपको इस पार से उस पार तक लेके जा पाऊंगा। राइट, तो अगर आप भी मेरे साथ इस पार से उस पार जाना चाहते हो जहां पे आप भी आरपीजीओस के साथ सॉन्ग्स को बजा पाए, तो ये वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट एक्सरसाइज से। सो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है आपको समझाता हूँ। हमें बहुत ही सिंपल चीज करनी है। हमें क्या करना है, जो कॉर्ड है हमारे उनको दोनों हाथों से पहले पकड़ना है इस तरीके से, और अब एक एक करके नोट को ब्रेक डाउन करना है, एक एक करके छह नोट को बजाना है। पहले एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, उसके बाद सातवां और आठवां नोट भी प्ले करना है, लेकिन हमें आगे नहीं जाना है। हमें जो नोट हमने ऑलरेडी दबा दिए उनमें से ही दो नोट को हम बजाएंगे। कौन से, राइट हैंड के ये दो नोट को, मतलब इस तरह से 1 2 3 1 2 3 1 2 1 नोट्स वाइज देखे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे इसको हम फाउंडेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पहले हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड में थोड़ा करेंगे, उसके बाद राइट हैंड में करेंगे। तो इसका मतलब कि पहले लेफ्ट राइट करेंगे, फिर लेफ्ट राइट में थोड़ा बहुत साथ में करेंगे, और उसके बाद पूरा साथ में कर देंगे। राइट, तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज को फॉलो करना है। अब मैं बताऊंगा कौन से कॉर्ड से करना है। सिर्फ ये तो हमने सी कॉर्ड से किया, मैं आपको बताता हूँ कौन से कॉर्ड से करना है। लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है ना आपको, तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तब हमें पता चलता है कि ये वीडियो में वैल्यू थी और आपको सीखने में मजा आ रहा है। राइट, और ये वीडियो आपके लिए फ्री में, लेकिन हमारे लिए ये वीडियो फ्री में नहीं है। हमें ये जो पूरा सेटअप है इसका काफी कॉस्ट लगता है, लेकिन स्टिल वी आर प्रोवाइडिंग यू ताकि हम आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके, उन पियानो को और भी इजी बना सके। तो आपको बस एक ही चीज करनी है, इस वीडियो को लाइक करना है ताकि हमें पता चले कि हमारे पैसे वेस्ट नहीं जा रहे, ठीक है, आपको मदद हो रही है। राइट, तो अभी मैं आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन बताता हूं, हमें कौन से कॉर्ड्स पे ये एक्सरसाइज फॉलो करनी है। एफ, डी माइनर, ए शार्प, सी, ये प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब कि सेट ऑफ कॉर्ड्स, और कुछ नहीं याद रखना है आपको। बस ऐसा मत कि प्रोग्रेशन कुछ नई चीज है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखिए, अब एफ पे करेंगे 1 दो बार, अब इसके बाद चेंज करेंगे, डी माइनर पे जाएंगे। तो इसका मतलब हमने शिफ्टिंग भी किया, जो आरपेजियोस में हम पैटर्न प्ले करते हैं उसमें शिफ्टिंग भी करना होता है। राइट, मतलब एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड पे जाना होता है, तो वो भी हम करेंगे इस प्रोग्रेशन की मदद से। अब इस प्रोग्रेशन में सेकंड कॉर्ड कौन सा है, डी माइनर, तो अब डी माइनर से करेंगे। अब ए शार्प मेजर से करेंगे, फिर सी से, बहुत आसान। अब इसको हमें रिदम में करना, क्योंकि आर्पेजियोस का फाउंडेशन है रिदम। मतलब आर्पेजियोस को सॉन्ग से प्ले करने में सबसे जो बड़ा रोल प्ले करता है वो होता है रिदम, क्योंकि आप आर्पेजियोस को अगर रॉन्ग रिदम में प्ले कर दोगे तो वो सॉन्ग की वाइब किल हो जाएगी और आपको मजा नहीं आएगा सुनकर भी, आर्पेजियोस प्ले करने के बाद भी मजा नहीं आएगा। तो मैं आपको वो मजा देना चाहता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि रिदम में प्ले कीजिए। रिदम में कैसे प्ले करना है, बहुत आसान है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। मैंने किया है, मेरे हजारों स्टूडेंट्स ने किया है, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 चार बीट में सब कुछ खत्म करना, मतलब एक बीट में दो नोट करने पड़ेंगे। कितने नोट्स है टोटल, 8 नोट्स है हमारे पास, तो चार बीट में 8 नोट्स करने हैं, तो एक बीट पे दो नोट को करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत आसान। 1 2 3 4 बहुत सिंपल है, करके एक बार देखिए। ये जो 1 2 3 4 बोल रहे हैं वो मैं
मुझे बोलना है, मैं अभी आपको बोल के समझा रहा हूँ, लेकिन आपको बोलना नहीं है, आपके लिए वो काम मेट्रोनोम कर देगा। मेट्रोनोम क्या होता है, हमारे पियानो का बहुत इंपॉर्टेंट अंग होता है वो, राइट, हमारे पियानो प्लेइंग का। वो क्या होता है, आपको बीट देता है 1 2 3 4, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ उसके फॉर्म में वो टक 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 ऐसे आवाज देगा, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कुछ टाइप के साउंड्स होंगे। आप कौन साउंड्स प्ले करना है, एक साउंड पे दो नोट, टक 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 टक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे पहले आपको एक ही कॉर्ड पे दो बार प्ले करना है, उसके बाद कॉर्ड चेंज करना है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, एक बार अच्छे से ये कंप्लीट हो जाए फर्स्ट एक्सरसाइज, तब आपको एक बीट पे एक ही नोट को करना, मतलब एक कॉर्ड पे एक ही बार करना है। समझ में आया, पहले करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर कॉर्ड चेंज करेंगे, लेकिन उसके बाद 1 2 3 4, फिर कॉर्ड चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज देख ली। अब आता है सेकेंड, द हाफ वे, जहाँ पे आपको मैं आधा कोऑर्डिनेशन सिखा दूंगा। तो अब हमें क्या करना है देखते, अब जो कॉर्ड है हमारा उसमें हम इस टाइप से पैटर्न प्ले करेंगे लेफ्ट हैंड में। अब ये बहुत आसान है, मैंने क्या किया, जो कॉर्ड है उसी के नोट्स को यूज करके प्ले किया, बस मैंने क्या किया, बस सेकंड नोट प्ले नहीं किया, एंड ये जो नोट है उसको यहाँ पे प्ले किया, फिंगर वर्जन 5 2 1, और इसको हम 1 2 3 4 करेंगे, 1 ब्रेक डाउन कर देंगे, ये जो कॉर्ड है उसको 1 2 3 4, 1 2 3 4, बहुत आसान। कोई भी कॉर्ड पे आप कर सकते हो, अगर एफ कॉर्ड है तो मिडिल नोट प्ले नहीं करना, ये दो नोट प्ले मिले, ये नोट को आगे प्ले किया, तीन नोट मिले, अब इसको 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब राइट हैंड में हमें क्या प्ले करना है, देखिए पहले मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। अब करेंगे सी, इतना ही करेंगे, सी डी एफ जी। अब जो कॉर्ड है उस हिसाब से हम नोट्स करेंगे, तो मैं आपको चार कॉर्ड जो प्रोग्रेशन बताऊंगा उन चारों के नोट्स सबको मैं डिस्प्ले कर दूंगा, तो आप देख सकते हो। तो अब कैसे करेंगे, देखिए एक ऑक्टेव का गैप रखेंगे दोनों हाथों में, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 नोट, यहाँ पे 5 नोट, 1। और बीट देखे तो सेम, 1 एक बीट पे दो नोट, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब कॉर्ड प्रोग्रेशन देखते हम क्या करेंगे, हम प्ले करेंगे डी शार्प माइनर, सी शार्प मेजर, बी एंड ए शार्प माइनर। तो अब डी शार्प मेजर पे कर रहे, तो उसके मैं आपको नोट्स बताता हूं, उसके नोट्स होंगे डी शार्प, एफ, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प। तो इसको करेंगे 1 2 3, पहले आरपेजियो के पहले 5 नोट के साथ यहाँ पे 5 नोट करेंगे, फिर यहाँ पे 3 नोट खाली बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 होंगे, 1 2 3 4 5। फिर सी शार्प पे, सी शार्प के बताता हूँ, 1 2 3 4 5, इसके बहुत आसान है, सी शार्प, डी शार्प, एफ, एफ शार्प, जी शार्प, ये 5 नोट मैंने डिस्प्ले कर दिया, देख सकते हो। और पैटर्न तो बहुत सिंपल है, सी शार्प कॉर्ड प्ले किया, उसके मिडिल नोट को प्ले नहीं किया, दो नोट प्ले की, एक नोट यहाँ पे था तो यहाँ पे कर दिया, तो ये कॉर्ड मिल गया। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। अब बी के नोट होंगे, बी, सी शार्प, डी शार्प, एफ, एफ शार्प, पैटर्न बी कॉर्ड को इन दो नोट में कन्वर्ट किया, और ए नोट को यहाँ पे भी ऐड कर दिया, 1 2 3 4, 1 2 3। अब इसके बाद लास्ट नोट ए शार्प माइनर, इस तरीके से करना है, तो इसका कॉर्ड होगा, नोट्स होंगे ए शार्प, सी, सी शार्प, डी शार्प, एफ, बहुत आसान। तो अब डी शार्प माइनर से स्टार्ट करते, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
इस तरीके से। अब मूव करेंगे हमारे फाइनल स्टेज पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे वीडियो का। लेकिन उसके पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सो अब हम मूव करते हैं हमारे फाइनल एंड लास्ट एक्सरसाइज पे, जहाँ पे हम लेफ्ट हैंड में पैटर्न तो यही रखेंगे, लेकिन राइट हैंड के थोड़े से वेरिएशन को हम चेंज करेंगे ताकि आप ओवरऑल कंप्लीट कर सके। देखिए बहुत आसान। अब राइट हैंड को देखते हैं, राइट हैंड में क्या करना है। देखिए ये जो वन है उसके साथ हमें करना है सी, फिर जी पे कुछ नहीं प्ले करना है, फिर जब नेक्स्ट सी पे आए तब हम करेंगे डी, और जी पे जब फिर से करेंगे तब करेंगे हम ई। तो पहले इतना देखते हैं, वन टू, बहुत आसान। देखिए सी जी पे कुछ नहीं करना है, फिर नेक्स्ट सी पे हम करेंगे डी। तो आप जो डिस्प्ले में देख रहे हो ना, वहां पे मैंने लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड मेंशन किया, तो राइट हैंड में जो नोट आप प्ले करोगे उसके साथ राइट हैंड में कौन, लेफ्ट हैंड में जो नोट प्ले करोगे उसके साथ राइट हैंड में कौन सा नोट प्ले करना है वो मैंने डिस्क्राइब किया है। तो ऊपर नीचे देखना कि सी के साथ नीचे कौन सा नोट लिखा है, ऊपर नीचे नोट्स लिखे है, तो इसका मतलब दोनों को आपको साथ में करना है, जैसे कि सी में किया। फिर जी में सिर्फ जी नोट है ऊपर, नीचे राइट हैंड में कुछ नहीं लिखा है, तो वहां पे सिर्फ राइट हैंड में जी ऐड करना है। उसके बाद लेफ्ट हैंड में लिखा है नेक्स्ट सी, उसके साथ लिखा है डी, तो आपको दोनों को साथ में करना है इस तरीके से। फिर जब नेक्स्ट जी लिखा है फोर्थ में, तब भी हमारे राइट हैंड में ई नोट लिखा है, तो दोनों को साथ में करना है इस तरीके से। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब ये करने के बाद जब सी पे पहुंचेंगे तब हमें क्या करना है इस तरीके से, दो नोट। देखिए सी करेंगे तब जी एफ कर देंगे, फिर जी करेंगे तब ई डी कर देंगे, तो कुल मिला के कितने हुआ, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर। लेकिन इसको इस तरीके से करना है, वन सिर्फ कौन से पार्ट पे इसको ऐड करना है वो हम देखेंगे, राइट। देखिए वन टू थ्री, अब ये जी के साथ इसका इस तरीके से, वन टू थ्री फोर, थ्री पे क्या करना है, थ्री फोर। अब ये सी ऐड नहीं करना, सिर्फ डी तक ही करना है, और लास्ट के दो नोट खाली, फोर एंड हाफ। तो वन पे करेंगे वन, फिर टू पे करेंगे, फिर थ्री पे करेंगे, फिर फोर पे करेंगे, इतना, ठीक है। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू, इस तरीके से। और कॉर्ड प्रोग्रेशन बहुत आसान है, एफ शार्प माइनर ई डी सी शार्प माइनर। अब एफ शार्प माइनर पे होंगे वन टू, एफ शार्प जी शार्प ए सी शार्प बी ए जी शार्प, तो इस तरीके से। अब ई पे करेंगे, सिर्फ ई नोट को ऐड कर देंगे, बाकी सारे नोट सेम होंगे, एक दो तीन, फिर एक नोट छोड़ के इस तरीके से, ई एफ शार्प जी शार्प, एक नोट यहां पे छोड़ दिया, फिर यहां पे बी से, फिर डी से करेंगे, जब हम तब करेंगे डी ई, फिर एक नोट छोड़ के, फिर सी शार्प माइनर से, राइट। बहुत आसान। अब बीट के साथ वन टू थ्री फोर, 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 वन टू थ्री फोर। इसमें माइंड की पैटर्न्स इस हिसाब से ब्रेक होगी ना कि आप हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे तो मुझे नोट प्ले नहीं करना है, लेकिन आपका हाथ वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। जैसे वन के बाद पॉज लेना, फिर टू थ्री में हमें दो नोट को प्ले करना है, राइट।
टू थ्री में हमने कितने सारे नोट प्ले किए, दो और चार मतलब टोटल छह नोट प्ले कर दिए सिर्फ टू और थ्री बीट में, लेकिन पहली बीट में हमने सिर्फ एक नोट प्ले किया। तो ये पैटर्न हमने ब्रेक किया, देखा पहली बीट में सिर्फ लेफ्ट हैंड में दो थे, राइट हैंड में एक था, फिर सेकंड में हमारा लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड में सेम था, फिर थ्री में हमारा लेफ्ट हैंड में दो थे और लेकिन राइट हैंड में चार थे इस तरीके से, और फोर में हमारा सिर्फ लेफ्ट हैंड में अगेन दो चले और राइट हैंड में हमने कुछ प्ले नहीं किया। तो इस तरह से पूरे पैटर्न को हमने मतलब पूरी एक्सरसाइज को हमने डिजाइन किया था। तो ये तीन एक्सरसाइज अगर आप देख लेते हो और अच्छे से प्रैक्टिस करते हो मेट्रोनोम के साथ, जहाँ पे मेट्रोनोम अभी कर रहे हो उसकी स्पीड को आप बढ़ाते रहोगे, राइट, तो ये अगर करते रहोगे ना आप, तो आरपेजियोस का कोऑर्डिनेशन आपके लिए बहुत 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 आसान हो जाएगा, राइट। तो ये तो था कुछ एक्सरसाइजेस जहाँ पे आप आरपेजियोस को सीख सकते हो। अब आरपेजियोस की और भी बहुत सारे पैटर्न्स के भी वीडियो हमने बनाया हुए, लेकिन ये आरपेजियो का कोऑर्डिनेशन हमारा फर्स्ट फाउंडेशन स्टेप था जो कि हमने इस एक्सरसाइज से सीखा है। अब ये एक्सरसाइज एक है, ऐसे अगर आप और एक्सरसाइजेस और भी ऐसे टेक्निक्स एंड मेथड्स डिटेल में सीखना चाहते हो आरपेजियोस को आरपेजियोस के रिलेटेड, तो हमने एक कोर्स बनाया जिसका नाम है आरपेजियो मास्टरी कोर्स। मतलब कि आपने वीडियो ओपन किया तो ऑब्वियसली आपने आरपेजियोस सीखना स्टार्ट किया होगा या सीखना चाहते हो आप, इसलिए आपने ये वीडियो को ओपन किया। तो अगर आप आरपेजियोस को और डिटेल में सीखना चाहते हो, जहाँ पे मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा कि आरपेजियोस कैसे बनते हैं, उनके प्ले करने में पहले क्या क्या स्टेप्स होते हैं, पहले कोऑर्डिनेशन करने, फिर पैटर्न सीखनी है, फिर सॉन्ग्स इसको कंबाइन करके कैसे प्ले करना है, उसकी भी कुछ प्रोसेस होती है। तो अगर आप पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में सीखना चाहते हो, मतलब यूट्यूब पे क्या होगा, आपको एक वीडियो के बाद दूसरे वीडियो पे भटकना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पूरा एक जगह पे सीखें, क्योंकि आप हमारे चैनल पे आए हो, तो मैं यहां पे आपको सॉल्यूशन देना चाहता हूं आरपेजियोस का। तो दैट इज यू कैन लर्न दिस फ्रॉम अस विद इन 8 वीक्स थ्रू आरपेजियोस मास्टरी कोर्स। मतलब हम आपको सिखा सकते हैं आरपेजियो मास्टरी कोर्स से सिर्फ 8 हफ्तों के अंदर, 8 हफ्तों के अंदर आरपेजियोस का सारा ज्ञान सब कुछ आप प्ले कर पाओगे। बाय द एंड ऑफ दिस 8 वीक आप आरपेजियोस के बारे में कोई सवाल नहीं होगे, आरपेजियोस को स्मूथली प्ले कर पाओगे, खुद के आरपेजियोस भी बना पाओगे, एडवांस आरपेजियोस भी प्ले कर पाओगे, सॉन्ग्स के साथ भी आरपेजियोस को प्ले कर पाओगे, सब कुछ कर पाओगे। इसका प्राइस हमने रखा है कुछ, क्योंकि बहुत ही छोटा प्राइस है, और ये प्राइस इसलिए रखा है ताकि आप अटेंशन से सीख सके, क्योंकि फ्री की कभी कभी वैल्यू नहीं होती है, राइट, इसीलिए देख सकते हो कि वीडियोस पे व्यूज कभी कम होते हैं, क्योंकि फ्री की वैल्यू कम होती है, इसीलिए इसका प्राइस रखा है ताकि आप इसकी वैल्यू कर पाए एंड अच्छे से सीख पाए। बहुत ही कम प्राइस है ताकि सब अफोर्ड कर सके, ओनली 459 rupees फॉर लाइफ टाइम विद अ 7 days रिफंड पॉलिसी एंड प्लस वी आर गिविंग यू एक्सक्लूसिव कम्युनिटी टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। कोई भी डाउट है कम्युनिटी में पोस्ट कीजिए, मैं खुद रिप्लाई करूंगा, अगर मैं नहीं होंगे तो हमारी टीम रिप्लाई करेगी, अगर हम लोग ऑफलाइन होंगे तो वहां पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इन कोर्स में एनरोल किया आपसे बेहतर लोग पे, तो वो रिप्लाई कर देंगे आपको, आपके डाउट्स कभी भी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि डाउट सॉल्व नहीं होंगे, हमेशा आपके डाउट सॉल्व होंगे, राइट। इस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना चाहते हो तो हम मैं आपको आगे बताता हूँ कहाँ पे क्लिक करना है आपको, राइट। तो ये तीन एक्सरसाइज का आपने देख लिया, अच्छे से वीडियो को देख के प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अब यहाँ पे क्लिक कीजिए, और जो कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिंक मैंने आपको यहाँ पे दे दिए, आप यहाँ पे मैं जो उंगली बता रहा हूँ वहाँ पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट हमारे लैंडिंग पेज पे पहुंच जाओगे, राइट। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।